गांधी सीधे तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो भी पहुंचे हैं, साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद हैं वहां पर। चन्नी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जैसे संभावना जताई जा रही थी कि राहुल गांधी पहुंचेंगे और थोड़ी देरी से जरूर पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो वहां पर नेता है उनसे मुलाकात करते हुए अजीत सावंत भी आपको सीधे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, चन्नी नजर आ रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अर्पिता, यहाँ पर बधाइयों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। राहुल गांधी ने बधाई दी दो डिप्टी सीएम और सीएम के जो नए चेहरे हैं उन सभी को, और राहुल गांधी उस फोटो अपॉर्चुनिटी के वक्त भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं, जो दरअसल इस पूरे कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा होती है। यहाँ पर साफ तौर पर सतिंदर संदेश देने की कोशिश कि कांग्रेस आलाकमान भले ही ना मौजूद हो, लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी ये दर्शाती है कि वहां पर तुम लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर है, साथ ही जो राहुल गांधी ने अंत में पहुंचकर डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम यहां पर मनोनीत किए गए हैं और साथ ही सीएम चन्नी को बधाई दी। सत्येंद्र, बहुत सारा संदेश लेकर दरअसल राहुल गांधी यहां पर मौजूद हैं सत्येंद्र, और साथ ही ये भी बताने की कोशिश कि भले ही सोनिया गांधी और आलाकमान यहां पर ना हो, लेकिन मैं हूं यहां पर सब कुछ ठीक करने के लिए। देखिए, राहुल गांधी का शपथ ग्रहण समारोह में आना कहीं ना कहीं एक संदेश है, एक मैसेज है कांग्रेस के तमाम उन नेताओं को जो अभी भी कहीं ना कहीं अंतर्कलह में उलझे हुए हैं, गुटबाजी में फंसे हुए हैं। सबसे पहले राहुल गांधी अपने राइट हैंड अजय माकन और प्रभारी के तौर पर हरीश रावत और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को यहाँ पर भेजते हैं विधायक दल की मीटिंग लेने के लिए और तमाम विधायकों की राय सुमारी। और जब ये संदेश निकल कर आता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने पर्यवेक्षकों से सीधे बात करते हैं, कई विधायकों से बात करते हैं, और राय सुमारी के बाद जब उन्हें यह पता चलता है कि कांग्रेस में भले ही नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, लिहाजा एक संदेश देने के लिए एक मैसेज के तौर पर राहुल गांधी को इस शपथ ग्रहण समारोह में आना पड़ा है। शपथ ग्रहण समारोह हालांकि बहुत लंबे चलने वाला नहीं है क्योंकि 5 महीने तक ही पंजाब में ये मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद विधानसभा के चुनाव है, लेकिन ये 5 महीने इस रूप से बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इन 5 महीनों के बाद एक बार फिर से पार्टी को विधानसभा चुनाव में जाना है, और चुनाव से पहले अगर पार्टी एकजुट नहीं होती है और एक मत नहीं होती है, एक राय नहीं रखती है, तो इसका खामियाजा कांग्रेस नेतृत्व को कहीं ना कहीं 2022 के फरवरी महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा राहुल गांधी का यहां पर आना बेहद जरूरी था, ठीक वैसा हुआ भी है। राहुल गांधी हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में 10 मिनट की देरी से पहुंचे, लेकिन पहुंचने के बाद उन्होंने एक संदेश जरूर दे दिया है। तस्वीरें आपने देखी होंगी कि नवजोत सिद्धू उनके आसपास दिखाई दिए और उसके अलावा चरणजीत चन्नी जो अब पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं वो भी राहुल गांधी के पास पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी अब चंडीगढ़ से दिल्ली वापस जाने से पहले कहीं ना कहीं विधायकों की मीटिंग भी ले सकते हैं और विधायकों को एकजुटता का संदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि 5 महीने बाद विधानसभा में अगर पार्टी इन्हीं हालातों के साथ जाती है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं आने वाले समय में विपक्ष को मिल सकता है।